ओम शांति। आज की मुरली 25 जुलाई 2019। मीठे मीठे बाप दादा हमें शिक्षा देते हैं कि बच्चे ब्रह्मा बाप समान बनो। आपका रहना सहना खाना पीना ना बहुत ऊंचा हो ना नीचा, रॉयल और सिंपल होना चाहिए। बाबा कहते दोनों का बैलेंस रखो। फिर बाबा कहते दूसरों को नहीं देखो, स्वचिंतन करो, अपने आप को देखो और परिवर्तन करो। जो हम करेंगे वही हमें देख और करेंगे, यह सदा याद रखो। अपनी बुद्धि को सोने का बर्तन बनाओ जिसमें बाबा की याद और ये ज्ञान रतन ठहर सकें। तो आज बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे बाप समान, अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो, निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। प्रश्न, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है, तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? उत्तर, बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं, इसलिए बच्चे बच्चे करते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि यह आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा, क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे, निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर शिव कहेंगे, वह सबका रूहानी बाप है, उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। यह जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई हैं, अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। गायन भी यहाँ करते हैं, सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते, सभी कामनाएं वहाँ पूरी हो जाती हैं। यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती हैं, बरसात नहीं होती तो यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है, नहीं, कहां फैमन पड़ता है, भल यज्ञ करते हैं परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं है, यह तो ड्रामा है। आफतें जो आनी है वह तो आती ही रहती हैं। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं, मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? जब एकदम मूसलधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे? इन सब बातों को अभी तुम समझते हो और क्या जाने। बाप खुद बैठ समझाते हैं, मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है, बाबा की ग्लानी कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। मुख्य ग्लानी की है जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है, इसी से ही गिर पड़े हैं। गायन है निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। अब सबसे जास्ती ग्लानी किसने की है? तुम बच्चों ने। अब फिर मित्र भी तुम बनते हो। यूं तो ग्लानी सारी दुनिया करती है, उनमें भी नंबर वन तुम हो, फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नजदीक वाले मित्र हैं बच्चे। बेहद का बाप कहते हैं, हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है, अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा कैसा बना हुआ है? यह तो विचार सागर मंथन करने की बातें। विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकालते हैं, कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं कि तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन भी है यदा यदा ही, भारत की बात है। खेल देखो कैसा है, शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। वास्तव में अवतार है एक, अवतार को भी ठिक्कर भीतर में कह दिया है। बाप उल्हाना देते हैं, गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं परंतु कहते हैं हमको पता नहीं।
तुम ही प्यारे ते प्यारे बच्चे हो। कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाप की तो वह दृष्टि पक्की हो गई है। सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। यह तो जानते हैं कोई किस मर्तबे वाला है क्या है। सब आत्माएं हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती। सब हमारे बच्चे हैं। कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया है, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया है। बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। बाबा की नजर में सब आत्माएं हैं। उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत ग्लानी की है। वंडर है ना, कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी ग्लानी नहीं है। यह ज्ञान कितना अटपटा है। ऐसी गुहे बातें कोई समझ थोड़े ही सकते हैं। इसमें चाहिए सोने का बर्तन। वह याद की यात्रा से ही बन सकता है। यहाँ बैठे भी यथार्थ याद थोड़े ही करते हैं। यह नहीं समझते कि हम छोटी आत्मा हैं। याद भी बुद्धि से करना है। यह बुद्धि में आता नहीं है। छोटी सी आत्मा, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। यह बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। बाबा बाबा तो कहते हैं, दुख में सिमरण सब करते हैं। भगवान उवाच है ना, दुख में सब याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। दरकार ही नहीं याद करने की। यहाँ तो इतने दुख आफते आदि आती हैं, याद करते हैं, हे भगवान रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं, कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। बाबा लिखते हैं, शक्ति आपे ही योग बल से लो, अपने ऊपर कृपा रहम आपे ही करो, अपने को आपे ही राज तिलक दो। युक्ति बताता हूँ कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़े ही है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वह दौड़ेंगे। हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी है वह लगाए। याद की यात्रा ही दौड़ी है। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया। भाई भाई समझो, फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं है। वह अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल हैं। किसको लात मारी, घूसा मारा तो क्रिमिनल अंग हुआ ना। अंग अंग क्रिमिनल है। वहां कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है? आंखें। विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते। पहले पहले हैं आंखें, तब सूरदास की भी कहानी है। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, यह रथ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता। मैं तो नॉलेजफुल हूँ, बीज रूप हूँ। यह सृष्टि रूपी झाड़ है, उसका रचेता है पाप बीज। बाबा समझाते हैं, मेरा निवास स्थान मूल वतन में है। अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ, और कोई कह न सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं परमपिता परमात्मा हूँ, कोई कह न सकेगा। सेंसिबल कोई अच्छा हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो झट पूछेगा, क्या तुम भी ईश्वर हो? क्या तुम अल्लाह साईं हो? हो नहीं सकता। परंतु इस समय कोई सेंसिबल नहीं है। अल्लाह का भी पता नहीं, खुद ही कहते हैं मैं अल्लाह हूँ। वह भी इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। अर्थ समझे तो कभी नहीं कहें। बच्चे अब जानते हैं शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती। उसमें पवित्रता, सुख शांति सब कुछ आ जाता है। सब जयंतियां आ जाती हैं। ये सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो शिवालय जयंती, वैशाल्य मरंती। सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती,
चाहते हैं ना विश्व में शांति हो, तुम कितना भी अच्छी रीति समझते हो जगते ही नहीं। अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े है ना। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। स्वर्ग और नरक का राज तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। अखबारें जो तुम्हारी ग्लानी करती हैं, उनको लिख देना चाहिए। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। तुम्हारी भी सदगति हम जरूर करेंगे, जितनी चाहे उतनी गाली दो। ईश्वर की ग्लानी करते हैं, हमारी की तो क्या हुआ। तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे, नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़ कर ले जाएंगे। डरने की तो बात नहीं, जो कुछ करते हैं कल पहले भी किया है। हम बीके तो सबकी सदगति करेंगे, अच्छी तरह से समझाना चाहिए। अबलाओं पर अत्याचार तो कल पहले भी हुआ था, ये बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, बेहद के बच्चे सब हमारी ग्लानी करते हैं। सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं, बच्चे तो फूल होते हैं। बच्चों को माँ बाप चुम्बन करते हैं, माथे पर चढ़ाते उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं। अभी तुमको ये नॉलेज मिली हुई है जो तुम साथ ले जाते हो। जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट बचाएंगे। हिसाब किताब चुप तू कर घर चले जाते हैं, स्वर्ग तो देख ना सके। सब थोड़े स्वर्ग देखेंगे, यह ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से। तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे, यह राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है तो झट गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो, ऐसे को बाप का खजाना देने से फायदा ही क्या। फिर कोई की आंखें खुली तो कहेंगे भूल हुई, कोई तो परवाह नहीं करते। इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए, ऐसे बहुत ढेर हैं बाप को याद भी नहीं करते हैं, कोई को आप समान भी नहीं बनाते हैं। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं। कई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते हैं, फलाने को याद देना, यह याद सच्ची थोड़ी है, झूठ चल ना सके, अंदर दिल खाती रहेगी। बच्चों को पॉइंट तो अच्छी अच्छी समझाती रहती हैं, दिन प्रतिदिन बाबा घुइये बातें समझाते रहते हैं। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, सत्युग में दुख का नाम नहीं। अभी है रावण राज्य, मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते हैं। राम को भगवान कहते हैं, राम की सीता चोरी हुई, अब वह तो सर्वशक्तिमान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती। यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय हर एक में 5 विकारों की गंदगी है, फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना यह बहुत बड़ा झूठ है। तब तो बाप कहते हैं, यदा यदा ही मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। सचखंड सत्युग को, झूठखंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाप झूठखंड को सचखंड बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, इस गुहे व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है। दूसरा, बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है, निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है। वरदान, रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। विस्तार, जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है
कि ना बिल्कुल सादा हो ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत हैं, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई ना कहे कि यहाँ तो राजा ही ठाट हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। स्लोगन, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। अच्छा, ओम शांति।